भारत में इतने मंदिर क्यों हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों हैं? अगर आप नॉर्दर्न भारत की बात करेंगे तो मंदिर आपको कम मिलेंगे, स्पेशली बड़े मंदिर। लेकिन अगर आप दक्षिणी भारत में जाएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर आपको दिखेंगे। इसका कारण क्या है? भारत में हर गांव में, हर शहर में, हर जगह आपको मंदिर मिलेंगे, खड़े मंदिर या फिर टूटे हुए मंदिर, लेकिन हर जगह मंदिर आपको मिलेंगे। इसका कारण क्या है? भारतीय इतिहास में इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया गया मंदिर बनाने में, जब कुछ और हो सकता था? इसका कारण क्या है, ये आपको मैं आज बताऊंगा। एक समय ऐसा था जब हर जगह मंदिर थे, और मंदिर सिर्फ पूजा करने का स्थान नहीं था, मंदिर एक एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था। भारतीय इतिहास में सबसे छोटा गांव अगर देखेंगे वहां भी आपको मंदिर मिलेगा, बड़े जगह पर भी मंदिर मिलेगा। तमिल भाषा में एक कहावत है कि जिस गांव या शहर में मंदिर नहीं है वहां पर आपको बसना नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो पुराने भारत में मंदिर एजुकेशनल सेंटर्स हुआ करते थे, छोटे गांव में छोटे मंदिर होते थे, वहां के पुजारी, वहां के जो गुरु होते थे वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, बहुत बेसिक एजुकेशन। फिर अगर आपको एजुकेशन और ऊपर के स्तर पर अगर प्राप्त करना हो तो आपको एक बड़े मंदिर में जाना पड़ता था, वहां पर आपको और एडवांस्ड शिक्षा मिलती थी। कुछ जगह पर गुरुकुल होते थे जो मंदिर में होते थे या फिर मंदिर से अटैच्ड होते थे। और फिर अगर आपको बहुत ही उच्च स्तरीय एजुकेशन चाहिए था तो आपको कुछ बड़े शहरों में बड़े बड़े जो मंदिर होते थे वहां पर जाना पड़ता था। और जो सबसे बड़ा एजुकेशन था वो विश्वविद्यालयों में होता था, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, तिलहारा। तो मंदिर एक एजुकेशनल सेंटर था, हर जगह इसका एक नेटवर्क मिलता था आपको, ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरे एक्सटेंडेड ग्रेटर इंडिया रीजन में, जैसे कि इंडोनेशिया, यवद्वीप, सुमात्रा, कैम्बोडिया, ब्रह्मदेश, बर्मा, वियतनाम, हर जगह आपको मंदिर मिलेंगे। आपको सेंट्रल एशिया में भी हर जगह मंदिर मिलते थे, और आपको बिहार भी मिलते थे जहां पर बौद्ध धर्म वाला एजुकेशन मिलता था। लेकिन इन मंदिरों में आपको सिर्फ एजुकेशन रिलीजन का नहीं मिलता था, शास्त्रों का, वेदों का, लेकिन आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, लॉजिक पढ़ाया जाता था, ग्रामर पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, हर किस्म का एजुकेशन आपको मंदिरों में मिलता था। तो भारत का पुराना एजुकेशन सिस्टम, जो ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम था, वो मंदिरों के अराउंड सेंटर्ड था। और ये एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम है। और भारत में विश्व के जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज थे वहां से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि चीन था, चीन से बहुत सारे स्टूडेंट आए भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि श्वानजांग, फाहियन, कुछ ग्रीस से आए थे लोग जो भारत में पढ़ाई करना चाहते थे, एक दो स्कीथियन मंक्स का भी नाम आता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जो भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे, और ऐसे बहुत सारे हजारों लोग आते थे। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम हर किसी के लिए ओपन था, और इसका हमें प्रूफ मिलता है धर्मपाल जी जो एक स्कॉलर थे उनके बुक में, जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, जो उन्होंने एक 100 वर्ष पहले के आसपास ये बुक कंपाइल की थी। तो धर्मपाल जी ने ये बुक कैसे कंपाइल की? उन्होंने ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को स्टडी करके ये बुक के स्टैटिस्टिक्स कंपाइल किए। तो जब लॉर्ड मैकॉले ने ये प्रपोज किया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम पूरा ट्रांसफॉर्म किया जाए और इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जाए, तब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके पहले बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड किए कि भारत के गुरुकुलों में, मंदिरों में किस प्रकार की पढ़ाई होती थी और उनके जो स्टूडेंट्स थे उसके क्या स्टैटिस्टिक्स थे, कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी, उनके सो कॉल्ड कास्ट क्या थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारा स्टैटिस्टिक्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत डिटेल में कंपाइल किया था, और ये सारे स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करके धर्मपाल जी ने अपनी ये बुक लिखी है। और इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे उसमें आपको दिखेगा कि एजुकेशन सिस्टम हर किसी के लिए ओपन था। आपका कोई भी जाति हो, आपका कोई भी वर्ण हो, आप इस एजुकेशन से वंचित नहीं रहते थे। हर किसी को एजुकेशन मिलता था, लड़कों को भी एजुकेशन मिलता था, लड़कियों को भी उतना ही एजुकेशन मिलता था। और एजुकेशन सिस्टम प्राइमरीली संस्कृत में हुआ करता था भारतवर्ष में। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत का जो इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया फोर्सिबली, और उन्होंने सब कुछ कंपलसरी किया, वो जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उसको, और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश कंपलसरी था। तो इस प्रोसेस के कारण से भारत फुल्ली कॉलोनाइज्ड हो गया है, और आज भी पूरा एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज में ही मेनली है। अगर आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए एक अच्छे कंपनी में, तो आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपके चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आपको कोर्ट में जाना है, आपको
किसी केस में कोई केस लड़ना है तो आपको जज से भी इंग्लिश भाषा में बात करनी पड़ेगी आज भी 21वीं शताब्दी में। तो ये कॉलोनियल सिस्टम का लेगेसी है जो आज भी हम उससे जूझ रहे हैं। तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम बहुत ही एडवांस था, बहुत सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम है। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ एजुकेशन और टेम्पल्स इसका एक इंट्रिंसिक हिस्सा थे। तो पुराने भारतवर्ष में टेम्पल्स को जो राजा और रानी थे वो सब्सिडाइज करते थे। सारा का सारा पैसा टेम्पल्स के लिए राजाओं के द्वारा आता था और एजुकेशन सबके लिए फ्री होता था, किसी को भी फीस नहीं भरनी पड़ती थी। आपको ऐसा नहीं था कि आपको गुरु दक्षिणा हर महीने देनी पड़ेगी और अगर आप बंद कर देंगे फीस देना तो आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो सैलरीज थी टीचर्स की और गुरुओं की और प्रोफेसर्स की वो स्टेट प्रोवाइड करता था और टेम्पल का और विश्वविद्यालय का जितना भी अपकीप का पैसा होता था वो भी राज्य से ही आता था। एजुकेशन कंप्लीटली फ्री था, पूरे विश्व में आपको कहीं भी ऐसा मॉडल नहीं मिलेगा और इसको हमने आज डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमने पूरा एक फॉरेन एजुकेशन सिस्टम अपनाया है। तो भारत में इतने सारे टेम्पल्स होने का कारण ये है क्योंकि टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। तो इन मंदिरों में डोनेशंस हर जगह से आते थे, नॉट ओनली फ्रॉम द किंग्स एंड क्वींस लेकिन बाहर से भी आते थे, दूसरे देशों से और सिटीजन से भी आते थे। उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोमिनेंट एग्जांपल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में केरला में। तो वहां पर ट्रावंकोर रॉयल फैमिली का राज हुआ करता था, फिर ये एक प्रिंसली स्टेट बन गया अंडर द ब्रिटिश रूल। और ये जो रॉयल फैमिली है इन्होंने ब्रिटिश रूलर्स को कभी ये मालूम होने नहीं दिया कि इस टेम्पल में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में इतना बड़ा ट्रेजर है जिसका वैल्यू है मोर देन $1 trillion इन टूडेज मनी। और ये जो ट्रेजर है वो पूरा का पूरा हमें मालूम भी नहीं है कितना है, उसके और भी कुछ वॉल्ट से उस टेम्पल में, उस मंदिर में जो आज तक खुले नहीं है, उसमें और भी ट्रेजर हो सकता है। ये ट्रेजर किस रूप में है, वहां पर सोने के कॉइन्स है, वहां पर डायमंड्स है, जूल्स है, रूबीज है, जेम्स है, बहुत कुछ है। और ये सारे डोनेशंस इस टेम्पल में हजारों वर्ष से आ रहे हैं और बाहर के देशों से भी राजाओं ने और रानियों ने डोनेशंस दिए हैं एज ट्रिब्यूट टू द टेम्पल बिकॉज ऑफ द सर्विस इट प्रोवाइडेड टू द पीपल फॉर एजुकेशन एंड अदर पर्पसेस। तो इस प्रकार से टेम्पल्स में डोनेशन आते थे और इसके कारण से इतने सारे टेम्पल्स बन सके बिकॉज दे सर्वड सोसाइटी। सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते थे जो था एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल कंफर्ट एंड ऑल दैट। तो इस कारण से भारत में इतने सारे टेम्पल्स हुआ करते थे और इतना सारा पैसा इसलिए आया क्योंकि भारत सबसे प्रॉस्परस देश था पूरे विश्व में। अंटिल 1700s भारत का जीडीपी पूरे विश्व का इतना भी जीडीपी है उसका कम से कम 1/3 हुआ करता था और पहले उससे भी अधिक हुआ होगा जो हमने कैलकुलेट नहीं किया है। सो इंडिया वॉज ऑलवेज द मोस्ट प्रॉस्परस सिविलाइजेशन और इसका थोड़ा एक हिस्सा टेम्पल में जाता था। तो इसलिए भारत में इतने सारे टेम्पल्स है, टेम्पल्स एजुकेशन सिस्टम के सेंटर्स हुआ करते थे और इसलिए भारत ने इतना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया। तो हिस्टोरिकली टेम्पल्स का ये रोल हुआ करता था भारत के अंदर। अब आज का अगर हम सिनारियो देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में इतने टेम्पल्स कम क्यों है। सदर्न इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आप पेनिनसुलर इंडिया में तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल भी, बड़े बड़े मंदिर भी दिखेंगे जो आज भी खड़े हैं, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में आपको बहुत कम बड़े मंदिर मिलेंगे जो इंटैक्ट है, मोस्टली सारे टूटे फूटे मिलेंगे, रुइंस में मिलेंगे। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए और धीरे धीरे कब्जा करने लगे भारत के नॉर्दर्न क्षेत्रों में, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत का जो इंडिजिनस कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि उसको रिप्लेस करेंगे उनका जो कल्चर था उससे। तो इसके लिए उन्होंने भारत के टेम्पल्स के ऊपर आक्रमण किए, बहुत सारे टेम्पल्स तोड़ डाले क्योंकि जैसे मैंने कहा टेम्पल्स एक अभिन्न अंग थे सोसाइटी के, एक बहुत बड़ा पिलर थे भारतीय संस्कृति के, उसमें स्पिरिचुअल एंगल भी था, रिलीजियस एंगल भी था और एजुकेशनल एंगल भी था। तो अगर इन सारी चीजों को तोड़ देंगे तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता वीक हो जाएगी और फिर उनका जो कल्चर सुपर इम्पोज करना था भारत के ऊपर वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसके कारण से उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट कोई भी बड़ा मंदिर नहीं दिखेगा आज, इसका कारण ये है। तो इस तरह से शुरू हुआ भारत का डिक्लाइन और फिर इस प्रोसेस को यूरोपियन इन्वेडर्स ने इवेंचुअली खत्म किया अपने फॉरेन एजुकेशन सिस्टम और लैंग्वेज को इम्पोज
करके। तो आज भारत के जो टेम्पल्स है वहां पर कुछ भी एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, जो उनका जो कोर पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो रहा है। और टेम्पल्स में आज इतने डोनेशन नहीं आते, स्टेट सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। टेम्पल्स का जितना भी रेवेन्यू आता है डोनेशन के थ्रू वो भी गवर्नमेंट हड़प लेती है। ये बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी सिचुएशन है आज के टेम्पल्स का। और आजकल कोई नए टेम्पल्स बन भी नहीं रहे हैं, जितने भी टेम्पल्स है जितने भी मंदिर है सब पुराने टूटे फूटे आपको दिखेंगे और उनका अपकीप नहीं होता है। तो भारत का जो सोसाइटी है, भारत का जो सिविलाइजेशन है, उसका एक जो कोर पिलर है जो एजुकेशन सिस्टम था और टेम्पल्स थे, वो आज चला गया है। इसके कारण से आपको दिखेगा कि भारतीय सोसाइटी में बहुत सारे रप्चर्स आ रहे हैं। भारत के जो लोग हैं वो बिल्कुल रूटलेस बन रहे हैं, डीरेसिनेटेड हो रहे हैं, उनको अपने कल्चर से कुछ आज इतना लगाव नहीं होता है। तो ये एक सिम्टम है सोसाइटी के डीके का और सिविलाइजेशन के वीकनिंग का एक ये सिम्टम है। तो अगर हमें भारतीय संस्कृति को, भारतीय सोसाइटी को इन द फ्यूचर फिर से स्ट्रांग करना है तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। शायद फिर से टेम्पल्स में लेके आना पड़ेगा, लेकिन ठीक से, नॉट थ्रू द गवर्नमेंट, इट हैज टू बी ऑर्गेनिक। तो ये एक लॉन्ग टर्म सोच है। इन द लॉन्ग टर्म अगर हमें कुछ रिफॉर्म करना है तो हमें ठीक से सोच कर करना पड़ेगा। हमें फिर से टेम्पल्स को जीवित करना चाहिए। टेम्पल्स हमारे सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है, हमारी संस्कृति, हमारे सिविलाइजेशन का एक अभिन्न अंग और पिलर हुआ करते थे। इसके बिना हमारी सोसाइटी अधूरी है। तो आज ये सिचुएशन है, बट आई एम होपफुल फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।